बांदा जिले में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन परीक्षा के लिए 11 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक पाली में 7,000 परीक्षार्थी और दोनों पालियों में मिलाकर लगभग 14,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और परीक्षा नकल विहीन हो सके, इसके लिए जिले के अधिकारी भी सभी परीक्षा केंद्रों की जांच कर रहे हैं। ये 2 पालियों में आज भी होगी और कल भी होगी। अभी 11 केंद्र से बनाए गए, प्रति पाली लगभग 7,000 के आसपास की जाती है। तो पुलिस फोर्स की पूरी अरेंजमेंट है, सेंटर वाइज उनकी ड्यूटी डिप्लॉय की गई है, उसका प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। रूट पे कोई जाम न लगे, प्रमुख चौराहों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी है। सुचारू रूप से एग्जाम चल रहा है।